एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ वाशी। मुझे हेयर कटिंग करानी है, काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम इन द सेंस आफ्टर आई थिंक सो 3 इयर्स आई एम कटिंग माय हेयर। लास्ट में जब अलीबाग गई थी, नहीं सॉरी गोवा गई थी, तब मैंने हेयर कटिंग किया था। आई थिंक सो 2 साल ही हुए हैं। हाँ तो 2 साल हो गए हैं। मैंने जब भी शॉर्ट हेयर कराए थे बॉब कट वाले, तब भी मैं गई थी एंड मैंने नॉर्मल पार्लर से कटाया था। बट आज मैं आई हूँ जब मैं शादी के पहले जहाँ हेयर कटिंग कराती थी वहाँ पे, यानी कि रघुलीला में। सो रघुलीला में ना पहले अंदर एक दो शॉप्स ही थे हेयर कटिंग वाले, बट अभी लाइन से इतने सारे हेयर कटिंग के शॉप्स आ गए हैं ना कि मैं जाके कन्फ्यूज़ हो गई थी कि कहाँ जाना है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर जाने का डिसाइड किया। और यहाँ पे सारे जो सैलॉन्स हैं ना, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। तो सबसे पहले ही जैसे मैं गई अंदर, वैसे ही मैंने हेयर वॉश कराया। सो जो पैकेज वो आपको प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें हेयर वॉश भी होता है। सो इट्स ऑन यू, आपको हेयर वॉश कराना है कि नहीं। बट मैंने हेयर वॉश कराया क्योंकि हेयर वॉश कराने का मौका क्यों ही छोड़े। एंड यू नो दूसरे के हाथ से हेयर वॉश वगैरह होता है हेड में, तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। सो मैंने हेयर वॉश करा लिया, काफ़ी अच्छे से जेंटल हेयर वॉश किया बाल वगैरह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी पार्लर्स में या मॉल, मतलब जहाँ पे भी मैं कट कराने गई हूँ, बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि यू नो बाल वगैरह काफ़ी रफली हैंडल करते हैं। सो इन्होंने काफ़ी जेंटल हैंडल किया हुआ था। एंड प्राइस मैं आपको एंड में बताऊँगी कि कितना मुझे इसके लिए पे करना पड़ा था। ओवरऑल ज़्यादा नहीं है वैसे तो, बट स्टिल। सो यहाँ पे मैंने जब बॉब कट कराया था ना, उसके बाद मैंने एक बार हाथ से ही घर पे बाल काटे। वैसे मैं बहुत बार बाल हाथ से कट कर चुकी हूँ घर पे ही। सो अभी मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे जाना ही है और हस्बैंड का बर्थडे भी आ रहा था, तो सोचा थोड़ा यू नो न्यू स्टाइल कर लेते हैं। एंड स्ट्रेट हेयर बहुत हो गए थे मेरे, तो मुझे इस बार यू नो डीप लेयर काइंड ऑफ का कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैं आ गई। सो यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा आदमी आया। सो मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा ना, यू नो अलग अलग लोग मुझे हैंडल कर रहे थे। सो यहाँ पे एक अलग बंदा आया जो मेरा बाल कोम कर रहा था और जो भी अड़के थे वो सारे निकाल रहा था। ये भी काफ़ी आराम से उन्होंने किया। उसके बाद यहाँ पे आया अब हेयर स्टाइलिस्ट, जिसने मेरा हेयर कटिंग किया। और ब्लो ड्रायर के लिए अलग से दूसरा एक और लड़का आएगा करने के लिए। सो सबसे पहले इसने मेरे बालों में ऊपर से सेक्शन बना लिया एंड बाद में क्लिप से उसे अटैच कर लिया। उसके बाद नीचे के बालों को छाटना इन्होंने शुरू किया। सो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इतना ही काटना है ना, तो मैंने जितना बताया उतना ही काटना है। सो यूजुअली आई अवॉइड टू गो सलॉन बिकॉज, मतलब हेयर कटिंग के लिए स्पेशली, बिकॉज उनको बोलो ना कि 2 इंच ही काटो तो वो 4 इंच काट देते, मतलब छाटते छाटते काफ़ी छोटा कर देते हैं। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बस जब मूड में आ जाता है तब आ जाती हूँ। सो आज भी वही हुआ है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि यू नो थोड़ा सा न्यू लुक ट्राई करा जाए, तो बस मैं आ गई हूँ। सो यहाँ पे एक एक यू नो पार्ट कर करके इन्होंने मेरे हेयर को कट करना चालू किया। एंड यहाँ पे क्लिप से उन्होंने जो पार्ट यू नो नहीं काटना था उसे साइड में रखा था, देन सेक्शन करते हुए उन्होंने काटना चालू किया। सो मैं यहाँ पे एडवांस टाइप का कट करा रही हूँ, जिसमें आपको डीप लेयर मिल जाएंगे। अगर आपको डीप लेयर्स नहीं चाहिए तो आप उनको बोल के यू नो कम लेयर का भी करा सकते हो, बट मुझे डीप लेयर्स चाहिए था। शादी के पहले यू नो मैं डीप लेयर में बाल रखती थी, तब मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, कमर तक के बाल थे मेरे, एंड वो बहुत अच्छे भी लगते थे। एंड जब आई थिंक सो कुछ 2-3 साल पहले मैंने अपना बाल कट किया, उसके बाद फिर बॉब कट किया, उसके बाद से मेरे बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हाँ ये सच है, आई एम ट्राइंग टू डू। बट फिर से अभी मेरे बाल काफ़ी बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा चलो हेयर स्टाइल करा लेते हैं एक अच्छा सा जाके। सो यहाँ पे उसके बाद मैंने आगे से फ्रिंज कटाई, ज़्यादा छोटी नहीं की बिकॉज़ गर्मी का टाइम है एंड गर्मी में ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जब बाल मुंह पे आते हैं, तो एसी वगैरह में हो तो चल जाता है, इसलिए मैंने आगे के ज़्यादा यू नो छोटे नहीं कराए, जस्ट आगे से भी लेयर करा लिया है। उसके बाद अगेन इन्होंने मेरे बाल ना सारे एक साथ क्यूमुलेट करके बड़े बड़े पोर्शन में इक्वली कट किया कि कहीं यू नो बड़ा छोटा अगर होगा तो उसे वो इक्वल कर देंगे। इसके बाद पीछे का एरिया उन्होंने पूरा एक साथ लेके कट किया था, उसके बाद ऊपर का एरिया साइड से बीच का मांग करके उन्होंने दोनों साइड का पूरा एक साथ लेके फिर कट किया था, ताकि जो सारे बाल हैं वो एक ही फॉर्म में कट हो। सो इस तरह का कट जब होता है ना, तो आपके बाल में बहुत अच्छा एक लेयर आ जाता है। सो अगर आपके बाल कम है ना, तो आप लेयर कट ट्राई कर सकते हो, बट यस लेयर कट में बाल बहुत ज़्यादा कट हो जाते हैं, तो अगर आप यू नो कम्फर्टेबल हो उस चीज़ से तो ट्राई कर सकते हो, बट खुलने के बाद
बाल काफ़ी वॉल्यूमिनस लगते हैं। वैसे मेरे बाल तो है अच्छे खासे, बट स्टिल अगर आपके बाल कम है तो आप उस हिसाब से यू नो देख सकते हो। अगर आपको वॉल्यूमिनस हेयर चाहिए लुक वाइज तो आप लेयर कट ट्राई कर सकते हो या फिर स्टेप कट। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि आप हेयर स्पा भी करा लो साथ में, और मैंने बट मना करा बिकॉज मुझे कराना था, बट यू नो पीछे मम्मी बैठी हुई हैं, वो वेट कर रही हैं कि यू नो मेरा कब होगा, सो आई डोंट वांटेड टू वेट हर। सो मैंने सोचा कि यू नो बाद में कभी आके मैं हेयर स्पा करा लूँगी। सो उसके बाद अब हेयर ड्रायर के लिए कोई और बंदा आया हुआ है, सो ये आई थिंक सो यहाँ पे सीख रहा है, ऐसा लग रहा था कि यू नो यंग है एंड आया हुआ है नया सीख रहा है, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहा था। पहले उसने मेरे बालों को ड्राई करा, उसके बाद उसने सीरम अप्लाई किया मेरे बाल में, एंड अप्लाई करने के बाद अगेन उसने मेरे बालों को पार्टीशन में डिवाइड करना चालू किया, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना चालू किया, एंड एक एक स्ट्रैंड को लेके देन उसने कर्ल करना चालू किया। सो उसने मुझे आउटर कर्ल्स दिया था, वैसे उन्होंने मेरे को ऑप्शन नहीं पूछा कि आपको इन कर्ल चाहिए या आउटर कर्ल चाहिए, बट वो अच्छा ही लग रहा था, आउटर कर्ल भी एंड इनर कर्ल्स भी अच्छा लग रहा था, एंड डीप लेयर है पीछे से पूरा लेयर है तो आउटर कर्ल्स में ही ज़्यादा लेयर्स उठ के दिखेंगे। अगर आप खाली फ्रंट करते हो तो इनर वाले जो लेयर होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। सो इस तरह से उन्होंने मेरे हेयर्स को नीचे से कर्ल करना चालू किया ब्लो ड्राई करते हुए, एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, बट ब्लो ड्रायर का गरम गरम हवा जैसे ही मेरे बाल को और कानों को लग रहा था तो मुझे ये फील हो रहा था यार थोड़ा सा यू नो आराम से कर लो, बिकॉज गरम हवा की वजह से यू नो बाल को काफ़ी डैमेज होता है। सो मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर तो मैं लाइक करती ही नहीं हूँ, जब भी पार्लर वगैरह जाना हुआ या सलो जाना हुआ तभी होता है, अदरवाइज ब्लो ड्रायर मैं हार्डली ही करती हूँ घर पे, एंड स्ट्रेटनिंग वगैरह भी बहुत यू नो साल में एक या दो बार कर लिया तो कर लिया, तो इसलिए आई वॉज़ वेरी स्कैड, बट ठीक है यार वंस इन अ ब्लू मून चलता है। सो ये था मेरा हेयर स्टाइल फ़िलहाल, तो मैं ऐसे ही यू नो मूवीज़ में जो रोल्स होते हैं ना उनके बाल ऐसे यू नो फ्लफी फ्लफी जैसे होते हैं वैसा ही फील हो रहा था मुझे, बट मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया बिकॉज इतना ज़्यादा फ्लफी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो इस डीप लेयर हेयर कटिंग के लिए मैंने 400 रुपीस पे किया था, आप चाहो तो नॉर्मल हेयर कटिंग भी करा सकते हो विथ हेयर वॉश अंडर 200 रुपीस। मुझे बहुत सही लगा इनका रेंज वेराइटी बिकॉज काफ़ी अच्छे एंड कम रेंज में इन्होंने हेयर कटिंग करके दी, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेयर वॉश ब्लो ड्राई एवरीथिंग इंक्लूडेड था। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आया, मेरे घर वालों को भी काफ़ी पसंद आया बाय द वे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।